नोच कहाँ आएगा? वो भी जिला कैथल में आएगा। कैथल में? हाँ कैथल में। अच्छा, तो बचपन से सन्यासी हो गया? हाँ हम तो बचपन से लिए हैं भगवान। ओहो, यही है अपने सन्यासी के मतलब। क्या घूम के जैसे 2-4 महीने? गंगा बहती भला, साधु रमता भला। हाँ इस रोड पे जो आपको महात्मा या फिर कोई महान पुरुष होंगे वही यहाँ से यात्रा करते हैं। उत्तरकाशी कैसा होगा? उत्तरकाशी इधर ऊपर जी बना रहे हैं। पराठे किस चीज के हैं? आलू। आलू। अच्छा, साथ में क्या देते हो? फला। ये जो रोड है, इस रोड पे जो आपको महात्मा या फिर कोई महान पुरुष होंगे वही यहाँ से यात्रा करते हैं पैदल। वो आपको रोडों पे नहीं मिलेंगे, हाईवे पे नहीं मिलेंगे, वो यहीं से जाते हैं। जैसे कि हमने आपको पीछे दिखाए थे वो दो महात्मा जो कि केदारनाथ जा रहे थे, पूरा केदार होते हुए वो आ रहे थे गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करके पैदल। 15 दिन बता रहे थे उन्होंने, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने 15 दिन लगे हैं। तो इस रोड पर आपको ज़्यादातर महात्मा ही मिलेंगे। और ये कुछ ऊपर से ग्लेशियर पिघलता हुआ पानी आ रहा है, ग्लेशियर, ऐसे झरने आपको बहुत मिलेंगे हजारों की गिनती में इस रोड पर। जगह जगह आपको पानी की आवाज़ आएगी तो आप देखेंगे तो वहाँ पानी बहता हुआ दिखेगा आपको। ये रोड ही ऐसा है। देखो यहाँ पे लोग जो मार्केट या राशन नहीं जाते तो इतनी इतनी दूर उनको पैदल जाना पड़ता है, जैसे आंटी जा रही हैं। हर जगह सामान नहीं मिलता, तो कोई बड़े शहर में या कस्बे में जाना होता है जहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी हो। फिलहाल हम कमल रोड धौंतरी में चल रहे हैं जो कि आगे जाके उत्तरकाशी में मिल जाएगा। और गैरसैंण लंबगांव और श्रीनगर सीधा है, बूढ़ा केदार, केदारनाथ और कमत उल्टे हाथ पे। ये देखो ये धौंतरी और कमत की बस जा रही है फिलहाल। उत्तरकाशी कैसा होगा? उत्तरकाशी इधर ऊपर, ये तो नीचे जा रहा है लंबगांव। लंबगांव हमें ऊपर जाना है उत्तरकाशी की साइड। धौंतरी हमने पार कर लिया है, फिलहाल हम चल रहे हैं चुरंगी खाल की साइड, जहाँ से नचिकेता ताल का रास्ता भी जाता है। वहाँ से नचिकेता ताल जो है पैदल है 4 किलोमीटर, उत्तरकाशी 30 किलोमीटर। चुरंगी खाल की हाइट है 2300 मीटर, जहाँ काफ़ी ठंड होती है। अगर आप नाश्ता वास्ता करना है चुरंगी खाल में आपको हर जगह खाने का और रहने का मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा अभी चुरंगी खाल पहुँच के, बहुत हाइट पे है चुरंगी खाल काफ़ी, और काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे, इसलिए सड़क जो सारी हाइट पे जा रही है। देख सकते हो आप पहाड़ों पे कभी भी चलना है तो मोड़ों पे हॉर्न देना बहुत जरूरी है। जगह जगह आपको लिखा मिल जाएगा कि मोड़ों पे हॉर्न दें, ताकि सामने की साइड से आने वाली गाड़ी को पता लग जाए कि मोड़ पे कोई गाड़ी आ रही है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है।
इसीलिए पहाड़ पे कभी भी ट्रैक पर हैं तो मोड़ पे हॉर्न जरूर दें, चाहे रोड खाली क्यों ना हो। आबादी क्षेत्र, कृपया धीरे चलें, आगे स्कूल है। ये भाई ये स्कूल होगा या तो ऊपर रास्ता जा रहा है, नहीं तो फिर आगे कहीं स्कूल होगा। देख सकते हो भाई दिखोली बैंड है, दिखोली बैंड, दिखोली बैंड है ये। यहाँ पे स्कूल भी है, रहने का कहीं नहीं है, खाने का यहाँ भी नहीं है। रोड बढ़िया है, मस्त है, नज़ारे मस्त हैं। बाकी देखते हैं आगे चुरंगी खाल में, एक तरफ से ऊपर जा रही सड़क, वो मेरे ख्याल से गांव की साइड जा रही होगी कहीं, और आगे देखते हैं गांव कैसा आता है, छोटा मोटा कौन सा गांव आता है। दिखोली है शायद, चल रहे हैं हम उत्तरकाशी की साइड, चल रहे थे हम बूढ़ा केदार से। बूढ़ा केदार वाली वीडियो नहीं देखी तो उससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें बूढ़ा केदार मंदिर के साक्षात दर्शन कराए मैंने, और रहने का और खाने का बताया है कैसे कैसे है, कहाँ रुक सकते हो आप, तो वो आप देखकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, देख लेना। गाड़ियाँ लोकल यहाँ चलती रहती हैं, मिलती रहेंगी आपको। चुरंगी घाट आपकी आने के लिए बस भी आती है, आपको बस से भी आ सकते हो और जीप से भी आ सकते हो और अपनी कन्वेंस से भी आ सकते हो, तीनों चीज़ों से आप आ सकते हो। चुरंगी खाल बस मिलेगी आपको हरिद्वार से चुरंगी खाल की, जिसका किराया मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको गलत गाइड नहीं कर सकता। ये रोड देख सकते हो भाई आप, चुरंगी की ओर जाता हुआ, और नज़ारे ऐसे ऐसे हैं भाई साहब, दिल खुश हो जाए आपका। फिलहाल हम चले थे 3 तारीख को, पहले दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से हम गए यमकेश्वर ब्लॉक होते हुए, यमकेश्वर ब्लॉक होते हुए हम गए थे सतपोली, सतपोली से हम गए कर्णप्रयाग। वो सारे ब्लॉक आपने नहीं देखे तो आप पीछे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। कर्णप्रयाग से हम गए देवाल, देवाल से घेस घाटी वाण गाँव, उसके बाद ऊखी मठ, वहाँ से ऊखी मठ से फिर हम रासी गाँव, रासी गांव से वापस आकर वहीं ऊखी मठ रुके जहाँ होम स्टे था, उसका मैं लिंक दे दूँगा, होम स्टे में आप रुकना रुक सकते हैं, नंबर में दे दूँगा, बहुत बढ़िया होम स्टे है, वहीं आपको खाना वाना सब मिल जाएगा। वो हमें पड़ा था कुछ 400 रुपये का, और उसके बाद हम आए कुछ बूढ़ा केदार, ऊखी मठ से हम आए आपका बूढ़ा केदार, ऊखी मठ से बूढ़ा केदार आए ना, ऊखी मठ से हम आए बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार एक दिन रुके, और बूढ़ा केदार से अब ये ब्लॉग अगला जो आ रहा है ये जा रहा है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जाके जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कहाँ जाना है। हो सकता है हम जान की चट्टी भी जाएँ, जहाँ से हम नौचरी की यात्रा शुरू होती है 8 किलोमीटर पैदल, जहाँ तक बाइक जाएगी वहाँ तक हम आपको दिखाएंगे रोड की कंडीशन क्या है। सॉरी, ये ऐसे रोड जो है ना वो थोड़ी दिक्कत कर जाते हैं और ना दोस्तों। और फिलहाल हम हाइट पर चढ़ रहे हैं, रोड काफ़ी अच्छे बना रखे हैं यहाँ पे, देख सकते हो पूरा रोड हाइट पे जा रहा है। नचिकेता ताल का भी आपको दिखाऊंगा कहाँ से रास्ता जा रहा है, बाकी आप रोड का आनंद ले सकते हो, प्राकृतिक की सुंदरता के नज़ारे देख सकते हो। मैंने आपको इसमें महात्माओं के दर्शन भी करा दिया और बता दिया कहाँ रहने का है, कहाँ खाने का है। तो वीडियो अभी तक आप यहाँ तक देख चुके हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें, और बेल आइकन दबाना ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन आ जाए कि हमने वीडियो डाल दी है, सबसे पहले आप उसे देख सकें, और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आप यहाँ आ चुके हैं या नहीं आ चुके, क्या आपने जगह पहली बार देखी है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और ये 5 किलोमीटर रह गया चुरंगी हमारा, आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्टेट हाईवे पड़ता है 15 नंबर, और ये चिड़ियों की आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो आप सुन सकते हैं टिड्डों की आवाज़।
फिलहाल ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ अपने एस जे कैम 6 लेजेंड से, वीडियो क्वालिटी 720 और वाइड एंगल, स्टेबलाइजेशन ऑन, सेंसर ऑन, तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कैसी आ रही है। माइक मैंने एस जे कैम का ही लगा रखा, जो कि मुझे पड़ा था 1600 रुपये का। ये लंगूर रोड के बीचों भी बैठे हुए हैं। ये देखो भाई लंगूरों का, थोड़ा डरते हैं ये, लेकिन कहते कुछ नहीं। अगर आप इनसे कुछ नहीं कहोगे तो कुछ नहीं कहेंगे। ये सारे जंगली लंगूर हैं, बट अगर आप इनको छेड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कहेंगे। आगे एक बोर्ड आ रहा है, वो देखते हैं कितने किलोमीटर लिखा है वहाँ पे। नचिकेता ताल 8 किलोमीटर, उत्तरकाशी 30 और गंगोत्री 129। मोड़ो पर हॉर्न बजाएं, लो जी बजा दिया। तो दोस्तों चुरंगी खाल हम पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप। यहाँ की मैं आपको हाइट भी दिखाऊंगा, चंबा का रास्ता भी यहाँ से निकल जाएगा। और ज़्यादातर दुकानें यहाँ बंद लग रही हैं मुझे, और यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता आपको मिल जाएगा। दुकानें आज बंद है, वैसे हर बार हम आते हैं तो खुली होती हैं। ये कारण मैं नहीं बता सकता क्यों खुली है क्यों बंद है। ये पूरी आपको मार्केट दिख जाएगी, यहाँ पे पराठे परोठे आलू के मिल जाएंगे। ये देखो भाई होटल कैलाश, परचून की दुकान, ये कुछ चुरंगी खाल है। बंद का कारण मुझे नहीं पता, या तो कोरोना हो सकता है या फिर सीजन है, ऑफ सीजन है इसलिए शायद दुकानें सारी बंद है। तो किस साइड ये रही, यहाँ पराठे खाएंगे आलू के। ये आपको पूरा चुरंगी खाल है, चुरंगी नाथ मंदिर चुरंगी खाल, ठीक है। ये सारे यहाँ ढाबे हैं, देख सकते हो भाई, यहाँ पराठे भाई जी बना रहे हैं। पराठे किस चीज़ के हैं? आलू आलू। अच्छा, साथ में क्या देते हो? छोला। छोला चनो, कितने का? 30 रुपये का परोठो। 30 का परोठो। पराठे खाएं? गरम है ना? गरम बनाओगे? हाँ गरम ही है। गरम है और चाय साथ में? हाँ चाय भी बाद में। फिलहाल पराठे लगा दो, दो लगा दो पहले, देखते हैं। दुकानें बंद क्यों आज इतनी, सीजन के चक्कर में? सीजन का सीजन नहीं, एक बार हम आए थे सारी दुकानें खुली हुई थी। ये कुछ और कर वो भी है ना, घरेलू काम है। अच्छा ठीक है, लगाओ दो पराठे लगाओ। हाँ हाँ यहाँ बैठो, बाहर बैठो गए। मिलते हैं आपसे पराठे खा के।